आईपीएल 2021 की नीलामी शुरू होने में लगभग एक महीने का समय बचा हुआ है और कई बड़े खिलाड़ियों ने आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन करवा लिए और अगर ये दिग्गज खिलाड़ियों का नाम नीलामी में आएगा तो तमाम फ्रेंचाइजीज इन बड़े खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए की बोली लगाएंगी। तो मैं आपको ऐसे 10 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जिन पर इस नीलामी में बिडिंग वॉर होने वाली है और इन 10 खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसने वाला है आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में। तो उन 10 ही खिलाड़ियों के नाम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक ज़रूर देखना। और आप भी आईपीएल के बड़े फैन तो इस वीडियो का अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं 10वें खिलाड़ी से। 10वें खिलाड़ी क्रिस लिन पर भी आईपीएल 2021 की नीलामी में दो से तीन टीमें बिडिंग करने वाली है और अगर दो तीन टीमें क्रिस लिन पर बिडिंग करेंगी तो इनकी बोली हमें 3 से 4 करोड़ तक तो इजीली जाती हुई दिखेंगी आईपीएल 2021 की नीलामी में। चलिए बात करते हैं 9वें खिलाड़ी की, जो इस नीलामी में करोड़पति बनने वाला है, वो खिलाड़ी है डेनियल ह्यूज। इन पर भी हमें ऑक्शन में बिडिंग वॉर होते हुए दिखेंगे। ये खिलाड़ी भी बिग बैश लीग में खूब रन बना रहा है, ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और इनका स्ट्राइक रेट भी 140 के ऊपर का है और आईपीएल की दो तीन टीमों को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की नीड है, तो इनकी एक्सपेक्टेड बोली हमें 4 से 5 करोड़ तक जाती हुई दिखेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 8वें खिलाड़ी की, वो है जेसन रॉय। जेसन रॉय की भी बोली हमें 4 से 5 करोड़ तक ही जाती हुई दिखेंगी क्योंकि मैक्सिमम इन पर दो टीमें बिडिंग करने वाली है आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में, तो इनकी बोली हमें 4 से 5 करोड़ तक की ही जाती हुई दिखेंगी जेसन रॉय की। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं 7वें खिलाड़ी की, वो है ग्लेन मैक्सवेल। आईपीएल 2020 की नीलामी में 11 करोड़ रुपए में बिके थे, लेकिन मैक्सवेल का आईपीएल 2020 का सीजन पूरी तरह फ्लॉप रहा, लेकिन पिछले 1.5 महीने से मैक्सवेल बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं और इनकी बोली हमें 5 से 6 करोड़ तक तो इजीली जाती हुई दिखेंगी नीलामी में आईपीएल 2021 की। चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के 6ठे खिलाड़ी की, वो खिलाड़ी है दिनेश कार्तिक भी नीलामी का हिस्सा रहने वाले है और 3-4 आईपीएल टीमों को नीड है दिनेश कार्तिक जैसे फिनिशर की और एक्सपीरियंस खिलाड़ी की और 3-4 टीमें कार्तिक पर बिडिंग करेंगी, तो इनकी बोली हमें 5 से 6 करोड़ तक तो इजीली जाती हुई दिखेंगी आईपीएल 2021 की नीलामी में। अब बात करते हैं 5वें खिलाड़ी की, वो है पैट कमिंस। ये भी रिलीज होने वाले है केकेआर की ओर से। पैट कमिंस ने आईपीएल 2020 का सीजन खेलने के लिए अराउंड 16 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन आईपीएल 2020 की नीलामी में इनकी बोली हमें 6 से 7 करोड़ रुपए तक जाती हुई दिखेंगी क्योंकि आईपीएल 2021 की नीलामी में फास्ट बॉलर का बोलबाला रहने वाला है। नहीं तो पैट कमिंस तो भैया 4 से 5 करोड़ में बिकते थे, लेकिन कई सारी टीमों को नीड है स्ट्राइकिंग गेंदबाज की, तो पैट कमिंस की बोली हमें 6 से 7 करोड़ तक जाती हुई दिखने वाली है आईपीएल 2021 की नीलामी में। चलिए बात करते हैं 4थे खिलाड़ी की, जिस पर इस नीलामी में कन्फर्म रूप से बिडिंग वॉर होने वाली है, वो खिलाड़ी है तनवीर सांगा। इस अननोन खिलाड़ी की एंट्री होने वाली है आईपीएल 2021 में। इन्होंने भी बिग बैश लीग में अपना लोहा मनवाया और तनवीर सांगा एक लेग स्पिनर है और आरसीबी और पंजाब की टीम तो तनवीर सांगा से अभी से कॉन्टैक्ट कर रही है और तनवीर सांगा भी बहुत एक्सपेंसिव खिलाड़ी बनने वाले हैं आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के 3रे खिलाड़ी की, वो है शाकिब अल हसन। शाकिब की वापसी होने वाली है आईपीएल में और शाकिब अल हसन जैसा ऑलराउंडर ऑक्शन में होगा तो जाहिर सी बात है इनकी भी बोली हमें 7 से 8 करोड़ तक तो बड़ी इजीली जाती हुई दिखेंगी। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं टॉप 2 खिलाड़ियों की। दूसरे खिलाड़ी जिन पर इस नीलामी में 4 से 5 टीमें बिडिंग करने वाली है, वो खिलाड़ी है डेविड मलान। इन पर भी बिडिंग वॉर होने वाली है। ये पिछले 8-9 महीनों से T20 क्रिकेट में लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं डेविड मलान और इनकी बोली हमें 10 से 11 करोड़ तक बड़ी आराम से जाती हुई दिखने वाली है आईपीएल 2021 की नीलामी में। चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के पहले खिलाड़ी की, वो है मिचेल स्टार्क। ये खिलाड़ी बनने वाला है आईपीएल 2021 की नीलामी का सबसे महंगा खिलाड़ी। ये दिग्गज खिलाड़ी करने वाला है आईपीएल में वापसी और ऑक्शन में मिचेल स्टार्क पर बिडिंग वॉर होंगी और इनकी बोली हमें 12 से 13 करोड़ रुपए तक जाती हुई दिखने वाली है ऑक्शन में। तो ये थे भाई वो 10 खिलाड़ी जिन पर आईपीएल 2021 के ऑक्शन में बिडिंग वॉर होते हुए हमें दिखेंगी। आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।